बेगूसराय में शराबबंदी पर लगाम कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी गांव में खेत में छिपाकर रखी गई करीब 36 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। हनुमानगढ़ी के खेत में भारी मात्रा में छुपाकर रखे गए विदेशी शराब को बरामद किया गया। शराब छिपाने वाले का पता लगाने के लिए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई जिससे विस्फोट हो गया। इस घटना में जहां दो लोग जख्मी हुए वहीं घर में काफी नुकसान भी हुआ है। घटना बखरी प्रखंड क्षेत्र के बहुआरा में शनिवार देर रात को घटी। बताया जा रहा है कि बहुआरा निवासी अटल बिहारी पासवान की पत्नी रिंकू देवी गैस पर खाना बना रही थी, तभी रेगुलेटर से गैस रिसाव तेजी से होने लगा। आग को देखकर स्थानीय लोगों ने किसी तरह सिलेंडर की आग बुझाई। इस घटना में रिंकू देवी बुरी तरह झुलस गई जबकि अटल बिहारी पासवान भी घायल हुए। भंसा बाहु करे रहे हम धारे के बाहु कर भंसा हमारे पुत्र में बचत है बाहु भंसा करे रहे सिलेंडर गैस सिलेंडर बाहु भंसा करे रहे गैस बाहु आग ले गए। बेगूसराय में 9 मार्च से शुरू हुए स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच शनिवार की रात खेला गया। डे नाइट टूर्नामेंट में नगर निगम क्षेत्र की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। मटिहानी से पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह के पिता स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह के नाम पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। टूर्नामेंट का फाइनल मैच इटवा और केशावे के बीच खेला गया। विजेता और उपविजेता टीम को अतिथियों के द्वारा कप प्रदान किया गया। मुकाबला 16-16 ओवरों का खेला जाएगा और वहां पर एक पहले गेंदबाजी और वही देखिए अभी तो हम नगर निगम का जो है 32 टीम का मैच करवा रहे हैं और हमने इस फील्ड में घोषणा किया है कि खेल के प्रति जो हमारी रुचि है हम बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे और उसमें जो है सो जो बच्चे खेलते हैं उनको आगे बढ़ने का। देखिए अभी तो लोग कहेंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए करवा रहे हैं, लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारे मन में ख्याल आया बच्चों को जो है हम सपोर्ट करें और बच्चे को प्रभाव जो मतलब उनका है उसको आगे बढ़ाएं, उस प्रतिभा को आगे बढ़ाएं, इस ख्याल से हम इस मैच को करवा रहे हैं और जो बच्चे खेलने वाले उसके साथ।